प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, अध्यात्म का रास्ता प्रेम का रास्ता है। ये रास्ता कोई नया रास्ता नहीं, सृष्टि के शुरुआत से इंसान इसी खोज में लगा हुआ है कि वो पिता परमेश्वर जिसने सृष्टि रची उससे जुड़े कैसे, उसे जाने कैसे, उसे पहचाने कैसे। हजारों साल पहले यही समझा जाता था कि अगर प्रभु को जानना है, उन्हें पहचानना है, तो हमें अपना घर बार छोड़ना होगा। और जब हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो बहुत से भाई बहन जो प्रभु की खोज में निकलते थे, वो अपना घर बार छोड़ के कोई पहाड़ की चोटी पर जाके बैठता था, कोई समुंदर के किनारे पर जाके बैठता था और प्रभु की याद में अपना समय गुजारते थे ताकि उन्हें को प्रभु की नज़दीकी मिले। तो सवाल ये पैदा होता है हम सबके सामने कि इस समय में अगर हमने प्रभु को पाना है तो हम कैसे पाएं। हम देखते हैं कि समय के साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेवारियाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं। एक जब बच्चा होता है तो उसका ख्याल उसके माँ बाप करते हैं, जैसे कोई बड़ा होता है तो वो भी जो उसके भाई बहन हैं उनके ख्याल में शर लग जाता है। और बड़ा होता है, उसकी अपनी शादी होती है तो एक पति अपनी पत्नी का ख्याल रखता है, पत्नी अपने पति का ख्याल रखती है, बाल बच्चे होते हैं तो उनका ख्याल करना शुरू कर देते हैं। तो हर एक इंसान को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ इस दुनिया में लगी रहती हैं। तो इस दुनिया में रहते हुए हम पिता परमेश्वर को जाने कैसे। सुदर्शन सिंह जी महाराज बार 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 फरमाया करते थे कि इस धरती पर रहते हुए, अपने घर बार को संभालते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए हम प्रभु को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनसे एकमेक हो सकते हैं। इसे वो पॉजिटिव मिस्टिसिज्म कहा करते थे। वो फरमाया करते थे कि दुनिया को छोड़ना, घर बार को छोड़ना, कहीं पहाड़ पे चले जाना और सब कुछ छोड़ देना, उसको सुदर्शन सिंह जी महाराज नेगेटिव मिस्टिसिज्म कहा करते थे। कि वो ये हुआ कि हमारे साथ अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, हमने उनको छोड़ दिया, उन्हें निभाया नहीं। लेकिन अपने घरों में रहते हुए, अपनी जगहों में रहते हुए, अपनी कल्चर्स में रहते हुए हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, उनसे एकमेक हो सकते हैं। छोटी सी उम्र से ही शायद हमें समझ में आनी शुरू हो जाती है कि पिता परमेश्वर हैं, उन्होंने सारी सृष्टि रची, उनके भाने में सब कुछ चलता है, उनकी रजा से हम सब यहाँ इस मानव चोले में आए हैं और यही हरि मंदिर है। इसके अंदर होते हुए हम पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं और उनसे एकमेक हो सकते हैं। लेकिन ये जानकारी पाते हुए भी हम सब दुनिया की चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं। जो कमाने के लिए आए हैं उस ओर ध्यान देते नहीं और अपना समय बाहर की चीज़ों में ही गुजार देते हैं। जब हम साइंस की ओर देखते हैं, और साइंस बहुत रिसर्च करती है और साइंस बिलीव करती है कि कोई चीज़ प्रूव होनी चाहिए, तो साइंटिस्ट को तो ये तो मालूम है कि शरीर को रेस्ट चाहिए। अगर ये शरीर को रेस्ट नहीं मिलता तो ये शरीर काम नहीं कर पाता। 2-4-6 दिन आप सोए बगैर गुजारा कर सकते हो, लेकिन ज़िंदगी भर नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है।
तो उन्होंने प्रोसेस ऑफ ये जो स्लीप है उसको समझने की कोशिश की, उसमें होता क्या है, और डिटेल में जाओ तो देर आर स्मॉल साइकिल्स और बड़ी साइकिल्स जिनमें डीप स्लीप में इंसान जाता है, और जब डीप स्लीप में होता है उस पर जाके जो जो दिन भर में हम खाना खाते हैं और चीज़ें करते हैं और बॉडी के साथ जो तकलीफें होती हैं वो सब हील अप होने शुरू होती हैं। वो रेस्ट करने का पीरियड जो बॉडी का, उसमें ही बॉडी तंदुरुस्त होने शुरू होती है फिर से। लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं और अगर सही तरीके से अभ्यास करें जिसमें शरीर भी शांत हो मन भी शांत हो, और उससे शरीर को बहुत आराम मिलता है। इस करके जो इंसान सही तरीके से मेडिटेट करता है या ध्यान टिकाता है उसको उतनी नींद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जो प्रोसेस है सही तरीके से अभ्यास करना है उसमें शरीर को आराम ऑटोमेटिकली मिल जाता है। इतना तो महापुरुष बार 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 समझाते हैं कि जो रात है उसे हम गंवाएं नहीं। शंकरपाल सिंह जी महाराज ने किताब में लिखी थी कि द नाइट इज़ अ जंगल, कि हम सोचे कि रात हमारी वैसी है कि हमने कुटिया जाकर जंगल में बिठा दी। हम अभ्यास कर रहे हैं, प्रभु को जान रहे हैं, तो रात का समय एक ऐसा समय है जो लोग सोने में गुजार देते हैं, टीवी देखने में गुजार देते हैं, कुछ और करने में गुजार देते हैं, क्योंकि सोते हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसको लगता है हम तो थक के आए हैं, थोड़ी एंटरटेनमेंट चाहिए किसी ना किसी किस्म की, किसको लगता है काम बहुत है मैं इसमें कुछ और कर लूँ, किसको लगता है मैं आराम से सोऊं। तो ये समझना कि रात भी प्रभु ने सिर्फ सोने के लिए नहीं दी, ये तो ज़रूर है कि शरीर को आराम चाहिए, लेकिन अगर हम अभ्यास करेंगे तो हम थोड़े समय में शरीर को बहुत आराम दे सकते हैं। और बार 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 महापुरुष यही समझाते हैं कि आजकल के समय में जबकि हमारी इंटरेक्शन बहुत बढ़ गई हैं, वो पुराना ज़माना होता था तो क्या होता था, लेट्स से 100, 200, 300, 400, 500 साल पहले ज़्यादा लोग तो सब लैंड के ऊपर ही काम करते थे, किसान होते थे, वापस होते थे। जहाँ हम रहते थे उन लोगों को ही जानते थे, हो सकता हमारा छोटा सा मकान या कुटिया जो भी इधर है किसी की वहाँ बनी हुई है, किसी की वहाँ बनी, किसी की वहाँ बनी हुई है, हो सकता हम 2-4-6 मील इधर उधर जाते हों, उससे ज़्यादा जाना ही बड़ा मुश्किल था, कोई ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है। तो उसी दायरे में थोड़े से लोगों को इंसान जानता था, उनकी इंटरेक्शन भी थोड़े से होती थी, जितनी देर मिल गए मिल गए, उसके बाद तो अगले दिन ही मिलेंगे, कोई यहाँ से काम करने आया उस फॉर्म पे, कोई यहाँ से आया, जितनी देर काम इकट्ठा किया उस थोड़ा मिले, वो सब अलग अलग हो जाते थे। आजकल का क्या है, यहाँ ये शिकागो एरिया में होते हुए हमें ये भी मालूम है कि अफ्रीका में क्या हो रहा है, ये मालूम है कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, ये पता है कि सिलोन में क्या हो गया, ये मालूम है वॉशिंगटन में क्या हो गया। फिर हर आजकल तो विद ऑल दिस ये जो नई नई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ आता है, ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी शायद अच्छा होगा, इससे शायद कुछ फ़ायदा मिलेगा, मुझे ये ढूंढना है, ये चीज़ चाहिए। इंटरेक्शन 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 बहुत बढ़ गई हैं। तो ये होते हुए दिन भर तो रात का तो इस्तेमाल करें, रात तो अपने हाथ में है, दिन भर तो ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी काम पे तो जाना है, तो कह रहे हैं वी हैव टू बी ऑन अवर ओन फील्ड, हमको अपना अपना ख्याल तो करना है ना, प्रभु ने हमें भेजा है, अगर हमें भाई बहन दिए हैं, पति पत्नी दिए हैं, बाल बच्चे दिए हैं, तो प्रभु चाहते हैं कि हम उनके साथ जितने हमारे कर्म हैं वो निभाएं अच्छी तरह से, नहीं तो देता क्यों प्रभु, अगर नहीं करना होता तो हमें नहीं देता कुछ भी ऐसी चीज़, क्योंकि वी लिव इन अ कल्चरल सोसाइटी, हमारे पास ये नॉर्म्स हैं जो हमें दिए गए हैं, उनको हमने निभाना है, लेकिन उनको निभाते हुए हम प्रभु को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में लिखा है, और ही बीइंग अ पोएट, वो दो लाइनों में पोएट्री के इतना मटेरियल भर जाता है जो शायद कई पन्ने लग जाए किसी भी किताब के उसको समझाने के लिए। वो जानते थे कि हमारी सोसाइटी मोर एंड मोर कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ रही है, इसीलिए उन्होंने मेरे ख्याल पॉजिटिव मिस्टिज्म की बात शुरू की कि यहाँ दुनिया में रहते हुए हम प्रभु को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं,
हम अपनी बेहतरी हर एक फील्ड में करें और जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं उनको निभाएं, लेकिन प्रभु को भूलें ना, क्योंकि जो जिंदगी में आने का मकसद है, ये जो हम सब अपने आप को इस शरीर में पा रहे हैं, ये प्रभु की देन है कि जितनी भी योनियां हैं, जो 84 लाख जिया जून है, उसमें से सबसे उत्तम होनी है, सबसे हाईएस्ट लेवल पर है, क्योंकि इसमें प्रभु ने वो सब पदार्थ दिए जो हमें चाहिए अपने आप को सही रूप में जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। वो इंसान जो कि अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस्ड है, वही अपने मकसद को पा सकता है। वो इंसान जो अपने को ट्रैक करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वही अपने मकसद को पाता है। नहीं तो कहते हैं हाँ जी सब ठीक है, सब चल रहे है, मगर अगर आप अपने आप को ट्रैक करोगे आप क्या कर रहे हो, आपकी तरक्की किस तरफ हो रही है, आप किस तरफ जा रहे हो, तभी फिर आपको मालूम होगा कि आपकी डायरेक्शन कहाँ पर जा रही है। अगर आप ट्रैक ही ना करो, सोचो हाँ जी सब कुछ ठीक है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ बोके है, और करी जाओ चीज़ें ऐसी विदाउट इवन थिंकिंग आप क्या कर रहे हो, देन आप कभी भी अपनी मंजिल की ओर नहीं पहुँच सकोगे। अब प्रभु को पाना, हर एक धर्म ग्रंथ हमें समझाता है कि जिन्होंने प्रभु से प्रेम किया उन्होंने प्रभु को पाया। क्यों? क्योंकि जो प्रभु हैं वो प्रेम के महासागर हैं, हम उसी महासागर की एक बूंद हैं, हमारी आत्मा के अंदर वो सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो परमात्मा के अंदर है, क्योंकि उसी महासागर की हम बूंद हैं। अनफॉर्चुनेटली हम उनसे अलग हो गए, तो अगर ये बूंद अलग होके सिर्फ अपने दायरे में जिस दायरे में रहे उसी को जानेगी तो प्रभु को कभी पाएगा नहीं, मगर जब भी उसमें प्रेम जागृत होगा अपने आप को जानने का, तो उसके कदम अपने आप प्रभु की ओर खींचने शुरू हो जाएंगे। तो हमारे अंदर पिता परमेश्वर के लिए प्रेम जागना बहुत जरूरी है, और जैसे इंग्लिश का मुहावरा है कि लव एमिनेट्स इन द हार्ट ऑफ द बिलवड, कि प्रभु पहले प्रेम करते हैं तभी हमें मानव चोला मिला है। वो चाहते हैं कि हम उनकी ओर बढ़ें, वो चाहते हैं हम उनके प्रेम को रेसिप्रोकेट करें, वो प्रेम की डोर को खींचते हैं। हम सोचते हैं हमें प्रभु से बहुत प्रेम हो रहा है, लेकिन जब तक उनकी दया ना हो ये तो हमें खींचे नहीं, हम उनकी ओर कदम नहीं बढ़ा पाते। तो बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं कि हमने प्रभु से प्रेम करना है। अब उसे प्रभु से प्रेम कैसे करें, ना इन आँखों से देख सकते हैं, ना कानों से सुन सकते हैं, ना हमें पता है कहाँ पर वो है, नहीं तो हवाई जहाज लेके वहीं पहुँच जाएं हम। तो बार 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 महापुरुष समझाते हैं पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं। ध्यान बाहर से हटाओ, अंदर की दुनिया में करो। जैसे जैसे ध्यान अंदर की दुनिया में हम करेंगे, प्रभु की नज़दीकी मिलेगी, प्रभु का प्रेम मिलेगा, और जैसे जैसे हम ये रियलाइज़ करेंगे कि हम प्रभु से अलग हैं, तो हम में एक जागृति आएगी कि हम प्रभु की नज़दीकी पाएं। तो जैसे पेन्स ऑफ सेपरेशन कहा गया कि प्रभु से अलग होना एक हमारे लिए एक ऐसा मौका है, क्योंकि वो चाहिए हमें प्रभु की ओर कदम बढ़ाने के लिए। तो ये अनुभव होना कि हम प्रभु का ही हिस्सा हैं लेकिन उनसे अलग हैं, तो फिर उसके बाद एक कशिश होनी, एक लगन होनी हमारे अंदर पिता परमेश्वर को जाने की, तभी हमारे कदम प्रभु की ओर बढ़ पाते हैं। और जब एक लगन हो और पता हम किसे दूर हैं, तो क्या होता है, आंखों से आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने ये जो प्रभु के प्रेम के रंग में जब इंसान रंगा जाता है और उसकी आंखों से जब आंसू टपते हैं, उसके बारे में एक शेर बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, जो मैं दर्शाता है कि किस किस्म की हालत हमारी होनी चाहिए अगर हमने कदम प्रभु को पाने के लिए उठाने हैं। ज़्यादा लोग तो सोचते हैं अगर आंसू निकले तो बहुत तकलीफ हो रही है इंसान को, कि वो पेन में है, दर्द में है, क्योंकि जब इंसान
दर्द में होता रहा, हमें से बहुतों को किसको हेडेक हो रहा है, किसको स्टमक हो रहा है, किसको कुछ हो रहा है, तो रात को अगर हो तो आदमी सो नहीं सकता, रात को जागा रहता है। तो वो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि ये जो प्रभु के प्रेम का दर्द है, ये मैं रात भर जगाएगा ताकि हम अभ्यास कर सकें, ताकि हम प्रभु को जान सकें कि प्रभु से सेपरेशन होने का जो हमें दुख होगा वो उतना ही हमारे अंदर कशिश पैदा करेगा कि हम अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ा सकें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया, वो फरमा रहे तेरे दामन पे जो टपका है ये मेरा आंसू, कि तेरे दामन पे जो टपका है ये मेरा आंसू, आज आंसू ही सही कल तो सितारा होगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जब इतना प्रेम हमारे अंदर जागृत होता है कि हम प्रभु के प्रेम में रंगे जाते हैं और उनकी याद में उनसे अलग होने का जो हमें दर्द होता है वो जब हमारे से आंसू निकलवाता है, हम जब प्रभु की नज़दीकी पाना चाहते हैं कि तेरे दामन पे जो टपका है ये मेरा आंसू, ये वो आंसू नहीं कि जो पानी से भरा हुआ है, ये आंसू वो है जो प्रभु के प्रेम से भरा हुआ है, ये आंसू नहीं जो पानी से भरा जमीन पे गिर गया, ये एक किसी सदगुरु महापुरुष के दामन में पिता परमेश्वर की जहाँ पर बातचीत हो, जहाँ पर नज़दीकी मिले, जब उनके अंग संग गिरता है कि तेरे दामन पे जो टपका है ये मेरा आंसू, आज आंसू ही सही, उस समय तो शायद लग रहा आंसू है कल तो सितारा होगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज में क्या समझा रहे हैं कि जब लगन हमारे अंदर बढ़ती है तब भजन अभ्यास करते हैं, जब हम भजन अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, हम प्रभु की ज्योत के साथ जुड़ जाते हैं, प्रभु की ज्योति का अनुभव करते हैं। और सितारा क्या करता है, टिमटिम आता है, रोशनी देता है। सितारा उन्होंने किस लिए इस्तेमाल करा है? एक तो सितारा कहते हैं ना जैसे कि अपलिफ्टिंग हो गया, सितारा बड़ा ऊंची जगह है, एक तो वो है कि भाई हम जो सबसे ऊंची जगह है जो आत्मा का परमात्मा से मिलाप होना उस हो रहा है, और दूसरा कि सितारा रोशनी देता है कि जब हमारे अंदर लगन इतनी ज़्यादा होगी पिता परमेश्वर को पाने की तो हम उनके रंग में रंगे जाएंगे और उनकी रोशनी जो हमारे भीतर है वो हमसे औरों तक पहुँचनी होगी, ताकि जागृति सिर्फ हमारी ही नहीं हमारे अंग संग सबकी होनी शुरू हो जाएगी। जब इंसान अभ्यास करता है प्रभु के साथ जुड़ता है तो वो अंदर से ही उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है, और उस बदलाव से वो और शांत हो जाता है, उसके जो दायरा है जिसमें वो जीता है उसमें भी शांति आनी शुरू हो जाती है, और वहाँ से फिर और बढ़नी शुरू हो जाती है कि जो प्रभु की ज्योत है, जो प्रभु का शब्द है जिसके दो हिस्से ज्योति और श्रुति, जिसके साथ हम जुड़ते हैं जब हम अभ्यास करते हैं, जितना ज़्यादा उसका हमें अनुभव होता है उतना ही हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी अंधेरी नहीं रहती। अंधेरी ज़िंदगी उसकी होती है जिसका पूरा ध्यान दुनिया की चीज़ों में हो, क्योंकि वो फिर माया की दुनिया में गिर गया इंसान। लेकिन जैसे हमारा ध्यान प्रभु की ओर होता है, अंदर के मंडलों की ओर होता है, जैसे हम अंदर के मंडलों की उड़ान करते हैं, जैसे ही हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं, वैसे ही हमारे अंदर जागृति पैदा हो जाती है, अंधेरा दूर होता है और जगमग जगमग होनी शुरू हो जाती है। और ऐसी ज़िंदगी ही प्रभु ने हमें पाने के लिए ये मानव चोला दिया। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि 7 बिलियन लोग इस समय इस दुनिया में जी रहे हैं, थोड़े से हैं जो प्रभु की ओर ध्यान करते हैं, बहुत से लोग तो दुनिया की चीज़ों में लगे रहते हैं। और वो जो सुनहरा मौका हमें मिला अपना ध्यान प्रभु की ओर करने का, उसका हम पूरा पूरा फायदा उठाएं, हम अपने कदम प्रभु की ओर बढ़ाएं, तेज़ी से बढ़ाएं। पिता परमेश्वर कहीं दूर नहीं, हम सबके भीतर हैं, और उन्हें शांत अवस्था में पहुँच कर ही पाया जा सकता है, और शांत अवस्था में पहुँचने का तरीका अभ्यास करना है, शरीर को शांत करना है, मन को शांत करना है, और फिर हम अपने अंदर जो प्रभु का शब्द चल रहा है, जिसके ऊपर सारी सृष्टि रची गई है, जो कण कण में समाया हुआ है, उसका अनुभव करते हुए हम
अपने आप को प्रभु की नज़दीकी दे पाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा, आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आँखें बंद कर लीजिएगा। जो ये आँखों के डेले आई बोलते हैं सीधे सामने होने चाहिए, जैसे आपके आगे 8-10 इंच सामने फोकस हों। आँखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊँचा नहीं दौड़ाना। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और प्रभु की नज़दीकी का अनुभव हम सबको करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।